जोहार वेलकम आज फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की जो का जो सिलेबस है उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको मैं डिस्कस कर रही थी तो ये जो यू के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर टू के सिद्धूकान मुर्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश तो सबकी चाहत होती है कि इसको इन्हांस करा किया जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा हो जाएगा कहने के लिए लेकिन ऑल ओवर द इंडिया थोड़ा कम होगा लेकिन हाँ ऑल ओवर द झारखंड जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो सचमुच जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं या फिर सुन के भी समझ नहीं पाते तो आखिर उनको क्या क्या करना होगा कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए स्टेप्स uh, उठाएं क्या क्या स्टेप्स होंगे सो so, uh, जैसा कि मैंने पहले बताया था किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोगों को लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड देन राइटिंग स्टेप्स को फॉलो करना होता है तो जो पहले शुरू का जो फर्स्ट लेक्चर था दैट वॉज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग ठीक है ना तो क्या क्या स्टॉप्स हैं क्या क्या ब्लॉक्स हैं लिसनिंग में ठीक है ना तो ये तो हम लोग जान गए फिजिकल इमोशनल कल्चरल टाइम प्रेशर पेस ऑफ पेस ऑफ वॉइस टोन ऑफ वॉइस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड दीज काइंड ठीक है ना ये सारे के सारे बैरियर्स थे सो नाउ बैरियर्स की बात तो हम लोगों ने कर ली लेकिन सोल्यूशंस की बात प्रॉब्लम की बात कर ली बट वी शुड फोकस ऑन सोल्यूशन आखिर इन बैरियर्स को हटाया कैसे जाए वॉट टू डू टू इन्हेंस इन्हेंस मतलब बढ़ाना लिस्निंग स्किल्स आप सुनने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी कैसे दिखा सकते हैं ठीक है सो हम लोग अब सोल्यूशंस पे बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव ठीक है लिसनिंग स्किल्स तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स का मतलब हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग स्किल्स सुनते तो सब लोग हैं ठीक है ना सो so, कभी कभी मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं पूछती हूँ कि आपकी हॉबीज क्या हैं ठीक है थीके? तो मैं आ, कहते हैं लोग कहते हैं म्यूज़िक सुनना तो दैट इज़ पैसिव हॉबी ठीक है ना ये पैसिव हॉबी है आपकी एक्टिव हॉबी क्या है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं सो so, लिसनिंग इज न लिस्निंग इज ऑफ टू काइंड्स एक तो आप पैसिव लिस्निंग करते हैं बस आ, ऐसे ही लाइक लेजीली यू आर लिसनिंग समिंग बट यू आर नॉट गेटिंग क्या बोला जा रहा है बाद में उसको अगर कोट करना हो कहीं बताना हो कि मैंने सुना था तो वो भूल जाएंगे कि कहाँ सुना था कब सुना था और कभी कभी तो कंटेंट भी भूल जाते हैं सो एक्टिव लिसनिंग पैसि लिसनिंग को छोड़ के हम लोग एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं सो इन्हांस लिस्निंग स्किल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या एक्टिव लिसनिंग स्किल्स ठीक है ना एक्टिव ए सी टी आई वी ई एक्टिव लिसनिंग स्किल्स तो सबसे पहले इस एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के लिए आपको क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा ड्यूरिंग योर लेक्चर्स इवन दो यू आर अटेंडिंग वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब सो यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर समटाइम्स आई ऑल्सो डिड सेम मिस्टेक मैंने YouTube पे लेक्चर ऑन कर दिया और पढ़ते पढ़ते मतलब लाइक आई वॉज लाइक लाइंग ऑन द बेड ठीक है और मैं सुन रही हूँ और सुनते 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 समटाइम्स फोन ऑल्सो फॉल्स ऑन योर फेस और कभी कभी तो नींद आ जाती है एंड यू डोंट लिसन सो देन आई देन आई इम्प्रूव्ड और देन आई लर्न कि नहीं इफ़ आई एम स्टिल आई एम लिसनिंग द वीडियो लेक्चर आई हैव टू सिट इरेक्ट राइट बॉडी पोस्चर के साथ हम वीडियो लेक्चर को भी सुनेंगे तो हम उससे क्या करेंगे समझ पाएंगे कि वॉट इज बींग सेड सो वेन यू आर लिसनिंग एनी लेक्चर ऑनलाइन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म यू शुड अक्वायर राइट बॉडी पोस्चर सो सबसे पहले ये हो गया ठीक है सो दिस इज टिप फ्रॉम माई साइड जो मैंने एक्सपीरियंस किया था एंड आई एम शेयरिंग विथ यू ठीक है सो नाउ आल मूव टू सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ठीक है ना कि फैक्ट्स क्या क्या हैं सुनने के फैक्ट्स क्या क्या हैं <coughs> देखिए एक्टिव लिसनिंग के तीन आस्पेक्ट होते हैं ठीक है तीन आस्पेक्ट्स होते हैं थ्री आस्पेक्ट्स इट इज अ बिट एडवांस लर्निंग एडवांस नॉलेज है लेकिन अगर आप समझेंगे तो इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट वन इज कॉग्नेटिव ठीक है दिख रहा होगा आप लोगों को सी ओ जी एन आई टी आई वी कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव लिसनिंग क्या होती है कॉग्नेटिव आस्पेक्ट क्या होता है paying attention to all the information both explicit and implicit that you are receiving from the other person, comprehending and integrating that information. theek hai So cognitive सुनने से लग रहा है बहुत नया सा word है. So cognition जो होता है वो होता है हमारे जो sense organs हैं. ठीक है? तो sense organs के through हम लोग किसी चीज को जानते हैं. तो दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कागनेशन ठीक है तो जब हम सुन रहे होते हैं सो so सुन रहे होते हैं उस समय हमारा जो लिसनिंग ऑर्गन uh, है दैट आर आवर ईयर ठीक है ना उसके साथ साथ मतलब कि आपके सारे कागनेटिव जो एबिलिटी uh, है उनको आपको इंगेज करना मीन्स योर आइज आपकी आँखें भी क्या है सुनने में सहायता करेंगे बिकॉज़ वेन यू लिसन यू डोंट लिसन ओनली यू ऑल्सो सी द स्पीकर और ऐसा तो बहुत आसानी से मतलब इसका एग्जाम्पल तो मैं देना ही चाहूँगी क्योंकि जब कोविड का टाइम आया था तो वर्चुअल क्लासेस हो रही थी और हम लोग कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपने स्टूडेंट्स को देख नहीं पाते थे एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो नॉट एबल टू सी देयर टीचर तो जो आई कॉन्टैक्ट नहीं होता था तो लेक्चर्स विल इनकम्प्लीट मतलब कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया सो आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग सो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन सारी की सारी क्या करेंगे सुनेंगे जबकि आप एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मतलब कि जो कहा जा रहा है और जो एक्सप्रेस किया जा रहा है एक्सप्लिसिट का मतलब जो एक्सप्रेस किया जा रहा है बोल करके और इम्प्लिसिट का मतलब जो नहीं बोला जा सकता जिसे हम भाव से है ना अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उससे हम कन्वे करते हैं दैट इज़ इम्प्लेसिड जो इम्प्लाइड है ठीक है ना तो उन सब चीज़ों को उन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको लेना होता है तब आप एक्टिव लिसनिंग का फर्स्ट एस्पेक्ट पूरा कर रहे होते हैं और राइट सो कॉग्नेटिव एस्पेक्ट हो गया ये एक्टिव लिसनिंग का <coughs> और हाँ तो आपने लिसनिंग कर ली ठीक है और थ्रू योर आईज आपने देखा भी नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को भी उसके बाद समझते हैं मीन्स यू आर यूजिंग योर ब्रेन ठीक है brain, ना समझना एंड देन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपने सुना एंड यू इंटीग्रेटेड मतलब यू एडेड दोज इंफॉर्मेशन इन योर मेमोरी ठीक है सो दिस इज कॉगनेटिव एस्पेक्ट सुनना नॉट बाय योर ईयर्स ओनली बाय योर आईज ऑल्सो एंड देन समझना थ्रू योर नर्वस सिस्टम थ्रू योर यू you नो know, uh, जो हमारे समझने की शक्ति होती है इंटेलेक्ट और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेना ये नहीं कि सुन लिया समझ लिया एंड ऑल ओवर नो यू हैव टू इंटीग्रेट यू हैव टू एसोसिएट दो इंफॉर्मेशन विथ योर मेमोरी तो ये होगा कॉग्नेटिव एस्पेक्ट नाउ इमोशनल एस्पेक्ट ठीक है तो एक्टिव लिसनिंग के इमोशनल एस्पेक्ट क्या है देखिए स्टेइंग काम सी ए एल एम काम मीन्स कूल पीसफुल एंड स्टेबल रहना एंड कंपेशनेट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इंक्लूडिंग मैनेजिंग एनी इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एनवाइंस बोर्डम यू माइट एक्सपीरियंस तो करना क्या है आपको इमोशनल आस्पेक्ट में यू हैव टू ऑब्जर्व योर पीस ऑफ माइंड यू हैव टू मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड टू to uh, yeah to listen actively and इसके लिए आप लोगों को थोड़ा compassionate होना पड़ेगा मतलब कि whatever is being said you have to keep patience मतलब अपने emotions को आप control अगर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए while you are listening then you will be अ गुड लिस्नर एंड एक्टिव लिसनर और यही सारे फैक्टर्स आपको इन्हांस करेंगे लिसनिंग स्किल्स को ठीक है सो वाइल यू आर लिसनिंग आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा अच्छा ये कंपैशन वर्ड जो था आ, है ये बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स में या कॉन्वर्सेशन में कब आया आई गेस गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कम्पैशन जो है जो करुणा कहते हैं कम्पैशनेट होना तो so, उसको आ, उसको ऑब्जर्व किया मतलब स्पेक्ट एंड यू फील सेम एज द लिसनर उसे कितना दुख हो रहा है वो किस स्टेट में बोल रहा है उसी स्टेट में अगर आप जाते हैं तो आप अच्छे से सुन पाएंगे ऑन राइट सो स्पीकर वॉन्स यू टू मेक लर्न एंड यू ऑल्सो Identify that state, then you will be a good listener. मतलब वो बताना चाहता है और आप भी सुनना चाहते हैं So the emotional level will be the same, then you will be an active listener. मतलब आप में उतनी ही समझ पैदा करनी है जितनी स्पीकर के पास है Then you will be compassionate, है ना करुणा कब आती है जब हम दूसरे को देखते हैं रोते हुए तो मुझे भी लग रहा है oh, ही इज़ हेल्पलेस सो आई ऑल्सो फील लाइक दैट सो दैट्स करुणा दैट्स कंपैशन सो यू हैव टू बी कंपैशनेट ठीक है ना और कोई भी रिएक्शन हो रहा है कि अह बहुत बोल रहा है या फिर बहुत बेकार बोल रहा है सो यू शुड नॉट डू दैट आपको काम रहना है सो so एनोयंस और बोर्डम को आप क्या करेंगे मैनेज करेंगे देन यू आर गुड विथ योर इमोशनल आस्पेक्ट ऑल राइट तो ये आस्पेक्ट भी आपको कवर करना होता है जब आपको एक्टिव लिसनर बनना है नाउ बिहेवियरल ठीक है बिहेवियर इल मीन्स वॉट यू एक्ट एक्शन क्या होंगे तो एक्शन में क्या करना है आपको इंटरेस्ट शो करना है एंड कंप्रिहेंशन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही ठीक है सो so, जब हम लोग सुनते हैं ना क्लास में तो आ, क्या करते हैं जब सुन रहे होते हैं अगर समझ रहे होते हैं देन वी एक्ट इन अकॉर्डेंस मतलब यस yes, हाँ 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 एंड वी शो आर फेस ब्राइट और वी वी आर नॉट ब्लैंक उस समय हम लोग अगर समझ रहे हैं देन यू आर हैप्पी योर फेस विल बी हैप्पियर एंड इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग तो आप क्या होंगे ब्लैंक हो जाएंगे सो so, बिहेवियरल अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं देन यू आर अन एक्टिव लिसनर अब मैं इसमें एक कहानी बताना चाहती हूँ छोटी सी कहानी है बहुत छोटी सी कहानी एक बार एक राजा थे तो उनके उन्होंने एक बार अपने दरबार में एक संगीतकार को बुलाया और कहा तुम आ, संगीत बजाओ और हम सब सुनेंगे तो सब दरबारी बैठे थे और वहाँ वो राजा के साथ सारे दरबारी सुन रहे थे तो सुनते सुनते राजा ने देखा कि सारे के सारे दरबारी एक ही जैसा वो तान पर वो मस्त हो रहे हैं मतलब सिर हिला रहे हैं ऐस लाइक दिस तो उन्हें लगा कि ये सारे के सारे मेरे संगीतज्ञ हैं क्या संगीत को समझते हैं क्या तो फिर Uh, बात हुई और उन्होंने पूछा कि uh, जो समझेगा वही सिर हिलाएगा इट वॉज ऑब्जर्वड कि बहुत जो लोग समझते हैं एग्जैक्टली exactly, वो लोग समझ करके उतना ही सिर हिलाते हैं जितनी हिलानी चाहिए अप्रोप्रिएटली लेकिन जो नहीं समझते हैं वो एक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा भी नोटिंग करते हैं सो दीज आर लाइक द बिहेवियर वॉट यू एक्ट वाइल यू लिसन ऑल्सो

जो इमोशनल एस्पेक्ट था उसमें ही था मॉनिटर योर इमोशंस मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एज मच एज पॉसिबल दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया कॉन्सेंट्रेट होना ठीक है ना यू कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है ठीक है ना कॉन्सेंट्रेशन वाइल यू लिसन और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए करना क्या पड़ता है यू यू हैव टू मॉनिटर योर इमोशंस यू हैव यू शुड नॉट लेट योर इमोशन स्ट्रे कि आप बैठे हैं क्लास में एंड यू आर थिंकिंग अबाउट की नई मूवी कौन सी आने वाली है या फिर आ, क्या होने वाला है नॉट लाइक दैट सो यू हैव टू मॉनिटर योर इमोशन्स मिनीमाइज डिस्ट्रैक्शनस जो भी आपके पास गैजेट्स हैं या जो भी कुछ भी ऐसे डिस्ट्रैक्शनस हैं नॉइज़ है फिजिकल बैरियर है, है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको आपको मिनीमाइज करना पड़ेगा समटाइम्स यू हैव सिचुएशन की आप नहीं कर सकते सम लेकिन यू शुड मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन ठीक है सेकेंड वन इज जो कॉग्नेटिव था उसी में मैंने बताया राइट बॉडी पोस्चर एक्टिव लिसनिंग राइट बॉडी पोस्चर के लिए एक्टिव uh, लिसनिंग के लिए राइट बॉडी पोस्चर बहुत इसेंशियल है पॉजिटिव एटीट्यूड यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि इफ यू आर पॉजिटिव देन यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्नर अगर आप पहले ही से नेगेटिव या किसी बायस दैट इज कल्चरल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर से बहुत ज़्यादा क्या है प्रभावित हैं अफेक्टेड हैं देन यू हैव टू रिड्यूस दोज बैरियर्स रिड्यूस कम करना होगा और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना होगा ठीक है सो दीज टू आर फर्स्ट विल योर इमोशंस यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस मैनेज योर इमोशंस मॉनिटर योर इमोशंस राइट बॉडी पॉस्चर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड देन दिस इज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल दिस थर्ड नंबर इज वेरी प्रैक्टिकल it will you should practice it more repeat people's last few words back to them don't put it in your own words unless you need to so whatever the language teacher is saying you should repeat back to them or back to yourself because saktniya kud sayhi tigana back to but You have to repeat the word what they say. You don't have to use your own words. अभी आपको जब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना जब कुछ सुन रहे होते हैं तो then you don't have to make your own words. जब आपको कहा जाए when you are asked to do, then you must say it. ठीक है ना So करना क्या है Last few words को repeat करना So repetition is important. ठीक है Active listener बनेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो दो पॉइंट्स बताया मैंने उसके बाद आपको यू हैव टू यू हैव टू वॉट रिपीट वॉट इज बिंग सेड इन द क्लास ठीक है ना स्पोकन की क्लासेज में भी ऐसा ही होता है एंड लिसनिंग जब कर रहे हैं तो भी यू हैव टू स्पीक देम रिपीट देम नाउ पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल क्यूज अगेन नॉन वर्बल क्यूज जैसे मैंने पूछा कि तुम समझ रहे हो सो so तुम समझ रहे हो एंड आई जस्ट मेड माई आई ब्रोज मूव कि तुम समझ रहे हो ऐसा लग रहा है वेन आई विल गेट द रिस्पॉन्स यस मैम आई आई गॉट इट देन यू आर रिस्पॉन्डिंग यू आर पेइंग अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज जो मैं नहीं बोल रही हूँ यू आर ऑल्सो गिविंग द रिस्पॉन्स ठीक है ना एंड आफर नॉन वर्बल क्यूज दैट यू आर लिसनिंग यस यू नॉट इट तुमने सिर हिलाया ठीक है ना यू ब्लिंक्ड या फिर यू आर शोइंग योर हैप्पी फेस ठीक है सो हैप्पी फेस मीन्स गॉट इट फेस आई गॉट इट आई कॉपीड इट दैट फेस देन इट्स ठीक है और ऐसा भी नहीं और ये ऐसा तब करना है जब आपको इट कम्स नेचुरली टू यू इट डजेंट कि यू हैव टू एक्ट हाँ हाँ मैम यस मैम यस मैम नो इट्स नॉट लाइक दैट देन यू विल बी एन एक्टिव लिसनर एंड देन आस्क मोर क्वेश्चंस देन यू थिंक यू नीड टू आपको ज्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं इन योर लैंग्वेज क्लास ठीक है ना बट डोंट रिहर्स योर रिस्पॉन्स वाइल द अदर्स पर्सन इज टॉकिंग आपको जिस समय मैं बोल रही हूँ या जिस समय आपका लिसनर बोल रहा तो है तो उस समय आपको रिहर्सल नहीं करनी है यू शुड राइट इट ऑन योर कॉपी एंड देन यू मस्ट आस्क एंड आस्क मोर ऑल राइट सो वेन इट विल हैपन दैट यू आस्क

रिस्पॉन्ड नॉन वर्बल क्यूज़ में नॉन वर्बल रिस्पॉन्ज में एंड यू मस्ट क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा सो यू हैव टू क्वेश्चन देन यू विल एबल टू आस्क मोर क्वेश्चन आप फ्लुएंट होंगे ऑल राइट सो आई गेस कि अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ भी लेते हैं देख भी लेते हैं एंड प्रैक्टिस भी करते हैं यू मस्ट प्रैक्टिस सो वॉट एवर आई से इन माई क्लास लैंग्वेज क्लास में जब मैं पढ़ा रही हूँ या फिर इन uh, योर Classes that is in your college, then you should repeat, repeat in language class, alright. So, you will be an active listener, alright. So, thank you very much.